कभी कभी कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, डर लगता है, ऐसा लगता है कि अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगा, अचानक घबराहट से हो जाती है। पर वो घबराहट उनको कहीं भी होती है, बाजार में होती है, मार्केट में कहीं गए, मॉल में गए, कहीं रास्ता क्रॉस कर रहे, कहीं हॉस्पिटल में गए या कोई काम करने गए, और फिर घबराने के बाद में फिर वो उनको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, अटैक आ जाएगा, दौड़ेंगे इधर उधर, हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। इसके अलावा भी और कुछ घबराहट से होती रहती है, कुछ तो भी हो जाएगा, समथिंग विल हैपन, है ना, पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा उनको लगता है। अभी इस बार इस समय करना क्या है, इस समय आपको ये करना होगा कि भाई आपको ये नंबर एक पहली बात ये शांत बैठना है और देखना है कि देखो ये थॉट मुझे पहली बार नहीं आया हुआ है, ये थॉट बार बार आता है। नंबर एक, ये एक थॉट है, एक्चुअली उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि मैंने सब इन्वेस्टिगेशंस किए हुए हैं, सब जांच पड़ताल की हुई है, सब नॉर्मल है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, घबराहट होती है, तो इसका मतलब ये थॉट है। तो ये थॉट को थॉट जैसा ऑब्जर्व करना है, ये थॉट एक विचार है और उसको मैं इमोशंस अटैच कर रहा हूं और उसके वजह से मुझे डर लग रहा है, तो पहले ये करना है, एक्नॉलेज करो कि ये थॉट है, फिजिकली मैं फिट हूं, वैसे अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, अभी भी कुछ होने वाला है नहीं, ये पहले करना है। नंबर दो, लंबी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है, पूरी ऐसी लंबी सांस लो, दीर्घ लंबी सांस अंदर लेना है, आराम से बाहर छोड़ना है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तब ऐसी कल्पना करना है कि वो जो डर है, वो जो भय है, वो मेरे सांस के द्वारा बाहर निकल रहा है। सांस एकदम जैसे बलून फूलता है वैसा पूरी फूल लो, आराम से सांस को छोड़ दो, रिलैक्स, और भय निकल रहा है, ये दूसरा काम करना है। तीसरा क्या करना है, तीसरा देना है कि भाई देखो ये डर है, उसको एक्नॉलेज मैं कर रहा हूं, और अभी इस समय मैं खुद को अच्छा महसूस कर रहा हूं, मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है, मैं पावरफुल हूं, मैं सकारात्मक हूं, मेरे सब कुछ आसान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ आसान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक सफल इंसान हूँ, मेरे लिए कुछ भी संभव है, मैं रिलैक्स करके अभी काम को लगने वाला हूँ, मतलब ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस आपने जस्ट रिलैक्स होकर अपने आप को देना है। क्यों होता क्या है कि निगेटिव निगेटिव चल हो जाता है, एक बार ऐसे निगेटिव चल हो जाएंगी, ऐसी लाट आ जाती है वो निगेटिव की बस सुनामी, तो उसके बदले उसको रोकने के लिए कि है कि भाई नहीं, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं शांत हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मेरे लिए सब कुछ संभव है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे में बहुत उत्साह है, जुनून है, जोश है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे पॉजिटिव सजेशंस अपने आप को देना है। और ये आप करेंगे तो धीरे 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 वो जो डर है वो कम होते जाएगा, निकल जाएगा। पहला मैंने बताया एक्नॉलेजमेंट, दूसरा बताया साथ छोड़ना और डर निकल रहा है ऐसी कल्पना करना, तीसरा बताया पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, और वो यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।